हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा आपका जो है क्लास 5 में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 15 माई सार नाइस। माई सार नाइस चल रहा है। माई सार नाइस, ठीक है। माई सार नाइस जो है अच्छे हैं। ये आपका पोयम जो है कल इसको पढ़ाया गया था, और इसमें आपका जो संबंधित जो आपके कंपल्सन चेकअप पे ये आपका ट्यूब का टेंशन था, इसमें आपके 3 क्वेश्चन थे, ये आपको कराया गया था। और सी आपका था ब्लैंक विद वर्ड्स ऑफ योर कोड, अपने शब्दों से जो है आपको इस विद द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था। और इसमें आपका कहा गया था इफ हम हाउस कैम टू माई हाउस, यदि एक चूहा जो है मेरे घर आया तो मैं उसे क्या नाम दूंगा, और वह जो है किसके साथ खेलेगा। आई वुड फीड हिम सम, मैं उसे क्या कुछ खाने के लिए दूंगा, और आई वुड मेक अ बेड फॉर हिम, उसको जो है उसके लिए मैं एक बिस्तर बनाऊंगा। और कहा ये सारी चीजें जो है आपको फिल करना है, ठीक बेटा। और नेक्स्ट आपका है ग्रामर इंग्लिश में आपका दिया दी मदर हाउस हैज 6 बेबीज। डी आपका मदर हाउस हैज 6 बेबीज। मदर माउस हैज 6 बेबीज, हेल्प हर नेम देम। हेल्प हर देयर नेम their name must rim. तो यहाँ पे कहा है आपसे कि मदर माउस है, ठीक है, जो मदर माउस है उसके जो है 6 बेबीज है, 6 बच्चे हैं। आप इधर देख सकते हैं आपका पेज नंबर 72 पे है, 72 पे आकर दिया बेटा। इसमें आपके मदर माउस है 6 बेबी, मदर माउस जो है, ठीक है, लेडी माउस जो है आपका, उसको जो है 6 बेबीज हैं, 6 बच्चे हैं। हेल्प हर नेम दे, उनकी जो है आपको उनका नाम जो है बताने में लिखने में मदद करना है आपको। और उनके नाम कैसे लिखिए, देयर नेम मस्ट रिम, और उनके नाम जो है रिम होने चाहिए, ठीक है, यानी कि दुकान होने चाहिए। दुकान का रिमिंग वर्ड बोल रहे हैं, दुकान अंत जो है उस नेम का जो है अंत कितना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है, रिम होना चाहिए। देयर नेम मस्ट रिम। यहां से देखेंगे 1 से लेकर 30 तक कवर करेंगे आप। यहां पर से देखेंगे 1, 2, 3 एंड लास्ट तक, ठीक है। ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद आपका फर्स्ट और सेकेंड आपको करके दिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको जैसे आपको फर्स्ट लिखा है तोलू, ठीक है, तोलू फर्स्ट क्या आपका तोलू, ठीक है। फर्स्ट जो बेबीज का नेम है वह क्या है, तोलू, TOLU, ठीक है। सेकेंड है आपका मोलू, सेकेंड है आपका मोनू,
मोलू। अब देख रहे हैं तोलू मोलू, यहाँ पर इनको आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड, आपको थर्ड पढ़ना है आपका जो नेम मशीन का रिमोशन को पहले नाम जो है रीमिंग वर्ड होना चाहिए। टोलू हो गया, फिर मोलू हो गया, यहाँ से आप थर्ड लिख सकते हैं गोलू, क्या लिख सकते हैं गोलू, ठीक है, जी ओ एल यू, ठीक है गोलू, ठीक है बेटा। और देख सकते क्या होता है गोलू लिखना आता है, नेक्स्ट आपका होता है गोलू को आप लिख सकते हैं भोलू, ठीक है बोलू या टोलू, बोलू बी एच ओ एल यू, आपका जगह बोलू बी एच ओ एल यू बोलू। उसके बाद आप सुनते हैं टोलू, ठीक है डी ओ एल यू टोलू, ठीक है डी ओ एल यू टोलू। और आप लोग सुनते हैं लास्ट आपका होता है कोलू, ठीक है पी ओ एल सी ओ एल यू कोलू, ठीक बच्चों। इस प्रकार जो है आपको ये जो मदर माउथ है उसके बेबी सिक्स बेबीज है उसे आप जो है इस तरह से नाम रिविंग वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको दिया गया था जो आपको करके बताया बुक में टोलू एंड मोलू अगर लिखा हुआ है, और लास्ट आपको फोर्थ थ्री से लेकर सिक्स तक आप लिखेंगे गोलू मोलू टोलू एंड लास्ट आपका होगा कोलू, ठीक है। इस प्रकार जो है आप इनके नाम लिखेंगे। और लास्ट आपका दिया है ई फर्स्ट टाइम आपका दिया है ये गेम, यहाँ पे गेम हो रहा है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। यहाँ पे आप बुक से देखेंगे ये जो फन टाइम दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये जो फन टाइम है आप इसको देख सकते हैं आप बुक में, ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे ये जो सभी बच्चे हैं यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं, तो इसी में आपसे जो है पूछा गया है करा है What are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, वॉकिंग, क्या तुम टहल रहे हो, वॉकिंग वॉकिंग टहलना, पर क्या आर यू वॉकिंग, क्या तुम टहल रहे हो, तो कह रहे नो वी आर नॉट, नहीं हम टहल नहीं रहे, ठीक है, नहीं हम टहल नहीं रहे हैं। या कह रहा उत्तर कह रहा आर यू रनिंग, आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, तो कह नो वी आर नॉट, नो वी आर नॉट, नहीं हम दौड़ नहीं रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए आपका ए गेम करा वाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग, ठीक है बेटा, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आर यू वॉकिंग, यहाँ पे कुछ बात होता है Are you walking? W-A-L-K-I-N-G. Are you walking? क्या तुम टहल रहे हो? ठीक है? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो?
आज बाकी क्या तुम कह रहे हो तो करा नो बी आर था क्या कहा गया नो नो वी आर नॉट ये उत्तर दिया गया कि नो नहीं क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं यहाँ से आपका जवाब है क्या नो वी आर नॉट नहीं हम नहीं वी आर नॉट क्या है ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम जा रहे हो तो उसी का उत्तर है नहीं हम नहीं जा रहे हैं ठीक है नहीं हम नहीं जा रहे हैं या फिर जो भी ठीक है आर यू लिविंग तो कह रहे क्या आप खा रहे हैं वी आर नॉट नहीं हम नहीं खा रहे हैं तो इस तरह से अगर आप यू वाकिंग है क्या आप टहल रहे हैं या आंसर है नो वी आर नॉट नहीं हम नहीं टहल रहे हैं ठीक बेटा तो नेक्स्ट नंबर है आर यू रनिंग Are you running? Are you double SN ING? Are you running? क्या आप दौड़ रहे हैं Are you running? क्या आप दौड़ रहे हैं No, we are not. No, we are not. क्या आप दौड़ रहे हैं Are you running? क्या आप दौड़ रहे हैं No, we are not. नहीं हम नहीं दौड़ रहे हैं ठीक है नहीं हम नहीं दौड़ रहे हैं एंड लास्ट आपका आर यू रीडिंग अ बाइसिकल आर यू राइडिंग आर यू चला ना राइडिंग साइकिल चलाना ठीक है राइडिंग का बाइक राइडिंग का बी आई सी वाई सी एल ई बी आई सी वाई सी एल ई बाइसाइकिल आर यू राइडिंग बाइसाइकिल क्या आप एक साइकिल चला रहे हैं ठीक है राइडिंग भी चलाना होता है आर यू राइडिंग बाइसिकल क्या आप एक साइकिल चला रहे हैं तो यहाँ तक का कहें यस वी आर वी आर राइडिंग वी आर हाँ वी आर यदि हम चला रहे हैं हाँ हम एक साइकिल चला रहे हैं ठीक बच्चों और यहाँ से आपका यू कैन प्ले द गेम दिस वे आप जो है इस तरह से गेम जो है खेल सकते हैं आस्क योर पार्टनर टू शो सम एक्शन यू गेस व्हाट शी इज डूइंग नाउ यू शो सम एक्शन लेट हर गेस यहाँ पर जब लगा गया क्या जो है इस तरीके से जैसे आपको बताया गया इस तरीके से आप गेम खेल सकते हैं और अपने पार्टनर से जो है इस तरह के एक्शन करने के लिए कहिए ठीक है और गेस व्हाट शी इज डूइंग और आप जो है गेस करिए कि वह क्या कर रही है शी इज डूइंग वह क्या कर रही है नाउ अब जो है यू शो सम एक्शन अब आप जो है कुछ एक्शन या कार्य दिखाइए लेट सर गेस और आप उसे गेस करिए ठीक है इस प्रकार से ये आपका फन टाइम ये आपका था अगेन ये कंप्लीट हो गया और ये आपका चैप्टर नंबर 15 भी जो आपका आपका यह कंप्लीट हो गया और आपका नेक्स्ट लेसन आपका है 16
They are a nice guest at Pilanghap. Nice guest. Nice. And I just see guest at Bilal House. Page number of 76. Page number 73 अपना ये अपना chapter number 16 night guest at Bilal House यानी कि बेला के घर का बेला के घर पर जो है night guest यानी कि रात्रि का मेहमान night guest guest में अतिथि या मेहमान ठीक है बेला के घर पर जो है night guest रात्रि का मेहमान बेला के घर पर इसमें आपको बेटा गेट सेट दिया है पहले गेट से हेयर आर सम एनिमल्स मैच देम विथ द फूड दे लाइक ठीक है यहाँ पे जो है कुछ एनिमल्स के नेम फिगर सॉरी फिगर दिया हुआ है कुछ एनिमल्स का फिगर दिया हुआ है हेयर आर सम एनिमल्स मैच दे मैच दे मैच दे द फूड दे लाइक यहाँ बेटा आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं का हेयर आर सम एनिमल्स यहाँ पर कुछ जानवर के नाम जानवर हैं दिए गए जानवर दिए गए हैं मैच देम विद द फूड दे लाइक उनको जो है आपको उनके फूड से उनके भोजन से जो है जो वे पसंद करते हैं उनसे आपको मैच कराना है तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं हम फोर फिगर्स है फोर आपका पहला स्क्वायरल है स्क्वायरल सेकंड आपका मंकी थर्ड आपका रैबिट एंड फोर्थ आपका दिया काऊ ठीक है बेटा तो यहाँ पे जो है आपका सभी जानवरों के एक नेम लिख लेंगे फर्स्ट आपका है स्क्वायरल एस क्यू आई डबल आर एल एस क्यू यू आई डबल आर एल स्क्वायरल सेकेंड आपका दिया मंकी एम ओ एस के वाई मंकी बंदर थर्ड एम्पर है काउ बच्चो यहां पर आपको जो है फोर्थ एनिमल दिए गए हैं ठीक है और नीचे जो है उनके जो वे पसंद करते हैं जो वे लाइक करते हैं उनके फूड यानी भोजन दिए गए हैं आपको उनसे जानवरों से क्या कराना है मैच कराना है ठीक है बेटा तो यहाँ पे आप देखेंगे ए आपका ए बी सी डी इधर ए बी सी डी है
ए बी सी डी। और फर्स्ट आपका है कैरेट, गाजर का फिगर बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में, ये जो इस तरह से आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है, कुछ एनिमल्स के फिगर दिए गए हैं और कुछ नीचे जो है उनके जो भी लाइक करते हैं पसंद करते हैं उनके फूड दिए गए हैं, तो आपको जो है उन जानवरों से उनके फूड को मैच कराना था। आपका फर्स्ट आपका कैर है, सी एन वाला रोटी कैरेट, सी एन वाला रोटी कैरेट मीन गाजर। सेकेंड बी पे आपका है ग्रास, मीन घास, ठीक है, जी आर ग्रास मीन घास। सी आपका दिया है नट, यहाँ पे है, ठीक है, नट मीन अखरोट, ठीक है। नट दिया हुआ है अखरोट। और लास्ट आपका डी है बनाना, केला, केला फिगर है बनाना है मुझे बी ए एन सी एन सी बनाना, ठीक है। तो ये आपका इधर आपके फोर एनिमल्स का है, ठीक है, और इधर आपके इनके जो एनिमल्स हैं इनके जो ये क्या है फूड है जो ये लाइक करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको जो है इनके भोजन को इन एनिमल्स से क्या करना है मैच करना है। तो ये जो आपका दिया गया आपका एनिमल मैच दे विद द फूड डे लाइफ, ये आप जो है उसको होमवर्क रूप में आप कंप्लीट करेंगे बेटा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पे उस जानवर के नाम और उनके जो ये पसंद करते हैं उनके भोजन से आपको इनको मैच कराना है, और आप जो है ये होमवर्क रूप में इसको जो है इन जानवरों के नाम को उनके कोड से मैच करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपका पेज नंबर 75 पे आपको दिया है कंपास चेकअप, 25 पे आपका कंपास चेकअप दिया है, उसमें आपका फर्स्ट है ए टिक द करेक्ट आंसर, बी आपका दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे आपके जो कंपास चेकअप में है ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।